यस बेटा, अभी हमने डोमेन किया, अब हम करने जा रहे हैं रेंज ऑफ रियल फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एफ एक्स को वाई सपोज करना होगा। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी दी गिवन फंक्शन, सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे 4x, देखो ये y के लिए सॉल्व की हुई है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी होगी। तो 4x इन टर्म्स ऑफ y, तो मतलब x इधर होना चाहिए, y इधर होना चाहिए। तो लेट सपोज कर लो, इसको जब सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, लेट x इज इक्वल टू g ऑफ y। तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, y जो फंक्शन है दैट इज f ऑफ x, और x जो फंक्शन है दैट इज g ऑफ y। सपोज कर लिया कि x के सामने कोई फंक्शन आया जिसका नाम जी वाई है और वो y की टर्म्स में है। अब मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ रेंज की। तो देखिए, नाउ द सेट ऑफ ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ वाई, तो वाई की वो सारी रियल वैल्यू का जो सेट होगा जिसके लिए, फॉर विच एक्स इज रियल, एक्स रियल होना चाहिए, एंड इन द डोमेन ऑफ एफ, और जो एक्स की वैल्यू है वो इन डोमेन ऑफ एफ होनी चाहिए, इज नोन एज रेंज ऑफ एफ। तो ये बहुत ही ध्यान से करने वाला पार्ट है, खासकर रेंज। डोमेन ईजी होती है, रेंज में थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को करना। तो फिर से देखिए, नाउ द सेट ऑफ ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज रियल एंड इन द डोमेन ऑफ एफ। तो एक्स की वैल्यू रियल होनी चाहिए और डोमेन में से ही होनी चाहिए, और वाई की वो सभी रियल वैल्यू का सेट ही रेंज होगा जिसके लिए एक्स रियल होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। मान लो मेरे पास एफ एक्स है, एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स माइनस टू ओवर थ्री माइनस एक्स। चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने लिखा था डोमेन ऑफ एफ, तो रेंज के टाइम आपको डोमेन का भी ध्यान रखना होगा। तो पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन ऑफ एफ। तो आपको पता है लास्ट टाइम हमने ऐसे क्वेश्चंस किए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, सिंस एफ एक्स इज नॉट रियल फॉर थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू थ्री, है ना। थ्री पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो देयर फॉर डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, आर माइनस सेट ऑफ थ्री। अब रेंज के लिए क्या करना होता है, अभी बताया था आपको, सबसे पहले एफ एक्स को वाई लेंगे। तो लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स माइनस टू ओवर थ्री माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 3y माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब x की टर्म्स को एक तरफ और y की टर्म को एक तरफ रखेंगे, तो 2 इधर जाएगा, एक्स वाई इधर शिफ्ट कर देंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से x क्यूब निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 3y प्लस टू ओवर y प्लस वन आएगी। यहाँ हमेशा y की टर्म्स ही होना चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए, मतलब x जो है वो y का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ x कभी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओनली y की टर्म्स होंगी। तो सिंस x इज रियल, अब हम यहाँ बताएंगे कि x कब रियल है, तो बस सिंपली है, आप देखेंगे जीरो नहीं होना चाहिए, सिंस x इज नॉट रियल फॉर y प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इसकी जो, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस वन आ गया, y इक्वल टू माइनस वन। तो रेंज क्या आ गई, तो रेंज ऑल रियल नंबर्स होंगे, दैट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। तो r माइनस सेट ऑफ माइनस वन आएगा, तो रेंज ऑफ f क्या आ जाएगी, r माइनस ऑफ सेट ऑफ माइनस वन। तो इस तरह से हम रेंज को फाइंड करते हैं, उसके पहले डोमेन को भी फाइंड करते हैं। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मोड ऑफ एक्स, सेकेंड इज एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री, थर्ड है एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस टू, एंड फोर्थ इज एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस फोर ओवर एक्स माइनस फोर। तो आप देख पा रहे हैं फोर क्वेश्चंस हैं, मॉडुलस है इसमें यूज़ किया गया। तो देखिए फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स। तो इसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। डोमेन ऑफ एफ, तो आपको याद रखना है मॉडुलस फंक्शन जो होता है, ठीक है, अभी मैं इसको ग्राफ भी बताऊंगा आपको बाद में सेकंड लेक्चर में, अभी आपको सिंपली याद रखना है जो मॉडुलस फंक्शन है और अगर उसके अंदर पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो मॉडुलस ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शन है तो आप याद रखेंगे उसका डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होता है। और लिखना कैसे, सिंस एफ एक्स इज रियल, आप देखेंगे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आपका आंसर हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। तो वही, तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पे एफ एक्स रियल बनता है। तो इसका मतलब क्या, सिंस एफ एक्स इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो देयर फॉर डोमेन ऑफ एफ क्या होती है, आर, ठीक है। तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स रियल ही आएगा, इट मीन्स जो यहाँ एक्स की वैल्यू है वही आपका डोमेन है, तो ये आर हो जाएगा। रेंज के लिए आपको पता है हम हमेशा क्या लेते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो ये माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स आ जाएगा। अब आपको याद रखना है ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये वाला पार्ट मोड ऑफ एक्स। तो मोड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जीरो भी हो सकता है, जब एक्स जीरो होगा तो ये जीरो भी हो सकता है। तो सिंस मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये कहता है ये वैल्यू एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख दी जाए ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है।
अब मेरे को तो माइनस टाइम चाहिए था, तो मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वन से, तो ये माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स हो गया और यह इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सबको पता है जब नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू जीरो, साथ में ये रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब ये जो पार्ट है ये वाला देखिए, इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वाई से, तो ये वाई हो गया। अब वाई की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप देख रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये डोमेन था, ये रहा डोमेन, ये रहा डोमेन, तो इस डोमेन पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो यही इसका रेंज बन जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ क्या आ गया, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, दैट इज़ वाई बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब होता है वाई बिलोंग्स टू दिस सेट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज्ड, और साथ में फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो रेंज क्या हुई बेटा, ये वाला इंटरवल बन गई, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो क्लोज होगा और माइनस ट्वेंटी ओपन होगा। तो इस तरह से इसका हम क्या फाइंड करते हैं, डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। चलिए और देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री। और याद रखना जितने भी क्वेश्चन मॉडुलस के अंदर पॉलिनोमियल के होंगे उन सबका डोमेन आर ही होता है। तो बस एक लाइन आपको देख लेनी है लिखने के लिए, डोमेन ऑफ एफ दैट इज सिंस एफ एक्स इज रियल, ये वाला एफ एक्स इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। अभी बोला मैंने आपको कुछ भी पुट करो एक्स की रियल वैल्यू, एफ एक्स हमेशा रियल आएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन ब्रैकेट एफ दैट इज डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर। ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इसको ऑफ बोलते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। रेंज के लिए आपको लास्ट टाइम बताया था वाई इक्वल टू एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको बोला हुआ मॉडुलस फंक्शन जो होता है किसी पॉलिनोमियल का, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपने कहा सिंस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, वाई से। तो आप देख पा रहे हैं वाई की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो आ गई मेरे पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू दैट इज जीरो, और जीरो से ज़्यादा वैल्यू है तो क्या आएगा, दैट इज़ क्लोज इंटरवल आएगा इधर से, हाफ हाफ क्लोज हाफ ओपन, दैट इज़ क्लोज्ड वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी ओपन तक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो आप देख पा रहे हैं रेंज ऑफ एफ क्या आ जाएगी। ये स्टेप कंपलसरी नहीं लिखने के लिए, आप चाहे छोड़ सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। तो वाई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो क्या बनेगा इंटरवल आपका, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूडिंग होगा, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। और देखिए इसी तरह का एफ एक्स है नेक्स्ट पार्ट में, वन माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस टू। तो डोमेन में तो कुछ करना ही नहीं, देखो ये सब रियल नंबर है, एक्स की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो रियल, एफ एक्स रियल ही रहेगा। तो इनका सबका आंसर सेम है, डोमेन ऑफ एफ क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ आर। अब रेंज में देखो कैसे करना होगा, रेंज में स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई क्या आ गया, वन माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस टू। अब आपको इसको ना ऐसे करना है, इसको एक्स के लिए सॉल्व नहीं करना है, इन क्वेश्चन में एक्स के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे मॉडुलस वाले क्वेश्चन में। आप इतने पार्ट को देखिए, ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, इसकी वैल्यू देखिए आपको क्या लिखना है, सिंस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। आपको पता है मॉडुलस में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है। अब मुझे वहाँ माइनस चाहिए था साथ में, तो मैंने माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये सेम चलता रहेगा। अब मुझे इसके साथ वन भी चाहिए था, तो मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया वन, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ मैंने ऐड वन कर दिया इधर भी और इधर भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में। तो वन माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस टू, इधर वन आ जाएगा। और आप देख पा रहे हैं इसकी जगह हम वाई लिख सकते हैं, बस यही मुझे चाहिए था, वाई इज़ लेस देन इक्वल टू वन। तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, वही रेंज होती है, और लेकिन डोमेन को ध्यान में रखते हुए। तो ये डोमेन है फंक्शन का, और आप देख पा रहे हैं y की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, माइनस ट्वेंटी से वन, और वन क्लोज होगा, माइनस ट्वेंटी में शॉ ओपन होता है। तो आप देखेंगे रेंज ऑफ f क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस ट्वेंटी टू वन, और यहाँ क्लोज होगा और यहाँ पे ओपन, वेरी सिंपल। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, देखिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फोर ओवर एक्स माइनस फोर। देखिए जब डोमेन की बात करेंगे तो वो हमेशा सेम रहेगा, अगर मॉडुलस में कहीं आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन आर तो होगा, लेकिन ध्यान रखें ये ज़ीरो करने पे, ठीक है, ये कहीं ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो देखो नीचे वाले पार्ट में अगर इसको ज़ीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू फोर आ गई, तो फोर पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सिंस एफ एक्स इज़ नॉट रियल, तो आपको लिखना होगा सिंस एफ एक्स इज़ नॉट रियल फोर, इसको जीरो कर देंगे, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू फोर। तो इसका मतलब इसका डोमेन जो होगा और रियल नंबर्स नहीं होगा। हाँ, अगर ये पार्ट नहीं होता तो फिर आ रहा था। अब इसमें से क्या माइनस करना होगा, डोमेन ऑफ एफ आर माइनस सेट ऑफ फोर, तो फोर नहीं हो सकता डोमेन, क्योंकि फोर पे ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो हम बाद में बताएंगे आपको। तो फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। चलिए रेंज ऑफ एफ कैसे निकालें, तो
लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें ध्यान रखना मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है मॉडुलस पार्ट की टू वैल्यूज़ होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो क्या लिखना होगा, इसको जीरो करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू फोर आ जाएगी। तो जब एक्स की वैल्यू फोर से कम है, दैट इज एक्स इज लेस देन फोर, तो इस मॉडुलस पार्ट की वैल्यू, ध्यान रखेंगे ये मॉडुलस यहाँ तक है, तो इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स एक्स माइनस फोर आएगा, दिस इज माइनस ए टाइम एक्स माइनस फोर आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। और दूसरी वैल्यू बनेगी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन फोर, तो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन फोर, तो ये मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव साइन के साथ आती है, तो क्या आएगा एक्स माइनस फोर, ठीक है। माइनस टाइम जब एक्स की वैल्यू फोर से कम है तो यहाँ माइनस आएगा, मोड हट जाएगा, और जब एक्स की वैल्यू फोर से ज़्यादा है तो ये मॉडुलस हट जाएगा, आगे पॉजिटिव साइन, मतलब एक्स प्लस एक्स माइनस फोर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे वाई की वैल्यू आ गई माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन फोर, और वाई को इक्वल टू वाई की वैल्यू प्लस वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन फोर। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल टू फोर ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, क्यों, फोर डोमेन का पॉइंट नहीं है। ये देखिए ना, इसमें हम फोर ले ही नहीं सकते एक्स की वैल्यू, डोमेन का मतलब होता है एक्स, तो एक्स की फोर वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए फोर कहीं नहीं लेंगे, तो माइनस वन और वन आ गया। और याद रखना रेंज किसको कहते हैं, जो वाई की वैल्यू होती है। अब एक्स कुछ भी हो लेस देन फोर, या वाई की सिर्फ टू ही वैल्यूज़ मिलनी है आपको, माइनस वन और वन, तो इसका रेंज बहुत ईजी है। तो रेंज ऑफ एफ के आ गया, दैट इज सेट ऑफ माइनस वन एंड वन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का, तो ये आपको ध्यान से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये मैंने स्टार्ट किया है डोमेन रेंज को, अभी एक दो लेक्चर और हो सकते हैं इसके, कम से कम एक लेक्चर तो होगा ही, तो धीरे धीरे आपको ये सीखना होगा, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है इसको सीखना, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको करवा रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बेटा।